नमः संस्कृता प्यार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने परिवार द ज्ञान कुंभ में। और द ज्ञान कुंभ आपके लिए लेकर आया है एकदम नई सीरीज जिसका नाम है संस्कृत महाज्ञान। और संस्कृत महाज्ञान की आज की कक्षा शुरू करने से पहले हम ये जान लेंगे हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ लिया। तो पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा है धातु रूप, वो भी छह लकारों में। जी हाँ, यदि आपने वो जो रूप हैं उनके लकारों को नहीं पढ़ा, नहीं समझा, तो पहले आप उसे देख लें, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। वो भी हमने धातु जो थी उसमें परस्मै पदी धातुओं को छह लकारों के साथ पढ़ा, और हमने एक अच्छी ट्रिक भी बताई जिससे आपको सरलता से याद हो जाए। तो आज की कक्षा में शुरू करने से पहले अब हम थोड़े कमेंट चेक कर लेते हैं, और जो लोगों के कमेंट आए हैं उनके हम उत्तर देते हैं। एक कमेंट आया है कि सर गम धातु रूप जिसका अर्थ होता है जाना, वो तो आपने पढ़ाए हैं, लेकिन विद्यार्थी ने ये कमेंट किया है कि उसमें आगमिष्यामी या आगच्छति है वो कैसे हो जाता, वो तो छह लकारों हमने पढ़ा है लेकिन आया नहीं है। यानी कि उनके अनुसार जो शब्द आया है वो था आगमिष्यामी, और हमने अभी पढ़ा था, सिर्फ पढ़ा है गमिष्यामी, वो भी लिट लकार भविष्य काल में। सही बात है, ये गमिष्यामी ही पढ़ा लेकिन यहाँ बड़ा लगा है। देखिए इसका एक सरल तरीका ये है इसमें कि गमिष्यामी का अर्थ क्या अर्थ होता है, जाऊंगा। यदि इधर अहम लगा दें पूरा वाक्य बन जाएगा आपका, अहम गमिष्यामी, मैं जाऊंगा, ये पूरा वाक्य है। यदि उसी में आदि आ लगा दें अपन, क्योंकि हम जानते हैं आ एक उपसर्ग है आगमिष्यामी, यदि इसका होता है आऊंगा, आऊंगा यानी कि अहम लगा दो तो पूरा वाक्य निर्माण हो जाएगा, मैं आऊंगा अहम। उत्तम पुरुष में है ही अहम चलते हैं, यानी कि यदि हम गम धातु के पहले आ जोड़ दें तो उसका अर्थ हो जाता है, जिस तरह गम का अर्थ जाना है, आ लगने से उसका अर्थ हो जाता आना। तो अब आप समझ गए होंगे। तो ये तो हो गई कमेंट के बाद, अब हम आज की कक्षा में पढ़ेंगे शब्द रूप। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो शब्द रूप शुरू करने से पहले हम ये जान लेंगे शब्द रूप होते कितने प्रकार के। देखिए शब्द रूपों में आपने कभी देखा हो संस्कृत की बुक में ये लिखा रहता है अकारांत पुल्लिंग, उकारांत स्त्री या आकारांत। तो यहाँ इन इन शब्द का जो अर्थ है, जैसे कि मैं अभी लिखता हूं अकारांत पुल्लिंग शब्द। तो देखिए अकारांत का मतलब होता है वे शब्द जिनके पीछे आ है, यानी कि अस्वर है आ। अब देखिए जैसे राम मोहन, ये वे शब्द हैं जिनके पीछे वाले वर्ण में आ है, जो कि साइलेंट है, क्योंकि हम ये सब जानते हैं ये सारे स्वरों की सहायता से बोलने जाने वाले व्यंजन हैं। इसी तरह आकारांत में बात करें तो इसमें बड़े आ वाले अक्षर हो, जैसे रमा सीता गीता राधा शाला माला आदि। तो ये मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि अकारांत का अर्थ होता है वे शब्द जिनमें पीछे छोटा आ हो, आकारांत का अर्थ होता है वे शब्द जिनमें पीछे बड़े आ की मात्रा हो। आकारांत पहचानी लोग जो हम बोलेंगे आकारांत। उकारांत का मतलब होता है जिन उ यानी छोटे उ की मात्रा हो, ठीक है। रेकारांत का मतलब होता है ऋषि की मात्रा हो। तो उम्मीद है आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि जब शब्द रूप हम पढ़ते हैं तो उनमें ये लिखे रहते ना अकारांत पुल्लिंग, इकारांत स्त्रीलिंग, तो ई की छोटी की मात्रा हो, जब बड़ी ई कारांत होते हैं तो बड़ी की मात्रा लगी हुई शब्द में भी इसके अंतर्गत रखे जाते हैं। तो यदि कभी आपसे पूछ लेते हैं राम कौन सा शब्द है, अकारांत है आकारांत है इकारांत है, तो आप बता सकते हैं राम के पीछे माँ में सिर्फ छोटा आ है, कोई बड़ा आ भी नहीं, ना कोई मात्रा भी नहीं लगी, ना छोटी की ना बड़े की ना ही रे ऋषि की। तो उम्मीद है ये तो आपको समझ में आ गए होंगे। लेकिन हम यहाँ शब्द रूप जानने से पहले
आपको कारक परिचय पता होना चाहिए, यानी कि कारक चिन्ह जिन्हें बोलते हैं। ये तो आपके हिंदी व्याकरण में भी होता है और संस्कृत में, तो पहले हम वो पढ़ते हैं। तो वो कारक चिन्ह कौन कौन से हैं वो आपको बोर्ड पर नजर आ रहे होंगे, तो पहले हम इनको पढ़ लेते हैं। तो ये कारक चिन्ह वैसे पाणिनि संस्कृत व्याकरण में षष्ठ यानी छह माने गए हैं। संबंध कोई कारक चिन्ह नहीं होता, क्योंकि संबंध इसलिए नहीं होता, उसका जो कर्ता के साथ सीधा संबंध नहीं होने के कारण उसे हम कारक चिन्ह के रूप में नहीं ले सकते हैं। तो कितने हुए कारक चिन्ह? छह। आपको तो छह ही कारक चिन्ह को जानना चाहिए। पहला है प्रथमा कर्ता ने, द्वितीया कर्म को, तृतीया करण से द्वारा, चतुर्थी संप्रदान के लिए, पंचमी अपादान से अलग होने के अर्थ में, चूंकि षष्ठी होता नहीं है, सप्तमी अधिकरण में पर। ये तो हुए कारक चिन्ह। इन कारक चिन्हों को आप अपनी कॉपी में नोट कर लें ताकि आप इन्हें याद कर सके। यदि आप इन कारक चिन्हों को याद नहीं करेंगे तो ना तो आपको संस्कृत के जो वाक्य हैं वो समझ में आएंगे और ना ही आपको हिंदी के वाक्य समझ में आएंगे। यहां मैं बताता हूं कैसे। देखिए, ऐसे एक वाक्य लिया, राम ने पढ़ा, राम ने पढ़ा। अब ये ने कौन सा है? राम एक एक वचन है, प्रथमा विभक्ति है, तो ने आएगा, जिसका कारक चिन्ह कर्ता राम है। राम ने पढ़ा। अब हम इसे लिखते हैं संस्कृत में, तो क्या होगा? रामः पठति। राम प्रथमा विभक्ति एक वचन में, तो हम वही धातु लगाएंगे, पठति एक वचन, लट ला वर्तमान की बात हो रही तो वर्तमान रूप लट लकार के प्रथमा विभक्ति लगाएंगे, राम पठति। राम ने पढ़ा, जिसका अब ने कैसे आ गया, तो हमें पता है कि प्रथमा कर्ता का जो चिन्ह है वो ने है। इसी तरह सारे इसी तरह होते हैं। अब ये जो आपके कारक चिन्ह है ये मदद करेंगे शब्द रूप बनाने में। तो विद्यार्थियों, आपको कारक चिन्ह जो बोर्ड पर देखे समझ में आए होंगे। अब हम ये जानते हैं शब्द रूपों में विभक्ति कितनी होती है। यदि हम देखें प्रथमा से लेकर सप्तमी तक सात विभक्तियां होती हैं, लेकिन एक संबोधनम भी है जो कि प्रथमा का ही एक रूप होती है, बस थोड़ा सा बदलाव होता है। तो हमें सिर्फ सप्तमी विभक्ति तक ही जानना, क्योंकि जो आपके वाक्य हैं उनका निर्माण सप्तमी विभक्ति तक ही होता है। तो उसमें भी फिर वही, जैसे स्वयं धातु रूप में तीन वचनम थे, एक वचनम, दुई वचनम, बहुवचनम, उसी तरह से वचन सेम रहेंगे, बस यहाँ पुरुष ना होकर विभक्तियां रहेंगी, वो भी संबोधनम तक आठ, यदि आप देखेंगे, और उनके अलग अलग वचनम में अलग अलग रूप बनते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें शब्द रूप का भी ज्ञान हो जाए, और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे अपने YouTube चैनल द ज्ञान कुंभ को। धन्यवाद।